तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार जुड़ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, शादियों का सीजन आ गया है और आपको पता है हम जैसे रीसेलर की सेल जो सबसे ज़्यादा जनरेट होती है वो शादियों के सीजन में ही होती है। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, आप खुद सोचिए कि जब आपको कोई कपड़ा खरीदना है, कोई मोबाइल खरीदना है, या आपको कोई चीज खरीदनी है, आपको शादी में जाना है, शूज खरीदने हैं, या आपको कोई और चीज लेनी है, तो आप क्या करती हो? आप खुद से सोचिए, मैं आपको सेल करने का तरीका बताऊंगा। आप क्या करोगे कि अगर आपको कोई, मान के चलो कोई चीज खरीदनी है, तो आप यूट्यूब में जाओगे। जैसे मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल सर्च करोगे कि कौन सा मोबाइल सबसे अच्छा है। आपको कुछ और खरीदना है तो आप सीधा YouTube में जाओगे, वीडियो देखोगे, वीडियो से आपको पता चल जाता है हाँ प्रोडक्ट कैसा है, क्वालिटी कैसी है, वो सारी चीज़ है। और कोई एक्सप्लेन करके बताता है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसकी बातें सुनने में, और वो डिटेल में आपको उस चीज़ के बारे में बता देता है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप क्या करते हो, गूगल पे जाते हो, गूगल पे सर्च करते हो आपको जो भी खरीदना है, जैसे टी शर्ट खरीदने है, पैंट खरीदना है, शूज खरीदने हैं, घड़ी खरीदनी है, या कुछ भी खरीदना है, वो आप गूगल में जाके सर्च करते हो। ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर आप मेनली सर्च करते हो। आप फेसबुक पे कभी भी सर्च नहीं करोगे, शूज शर्ट ऐसी चीज कभी भी सर्च नहीं करोगे, या गूगल में या यूट्यूब पर। अब भाई बात आती है कि शादियों का सीजन आ गया है, और अगर हम शादियों के सीजन को कवर करें, कवर करने का मतलब होता है, आपको बताऊंगा कि जब हम काम करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, हम अपने प्रोजेक्ट में बिजी हैं, तो उस प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है? जैसे कि वो प्रोजेक्ट का मतलब होता है, हमें पता चला कि शादियों का सीजन है, शादियों की सीजन की बात नहीं करते, हमें पता चला दिवाली आने वाली है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक प्रोजेक्ट आ गया कि दिवाली तक हमें सेल करनी है। अब हम उस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिए कि ऐसा क्या करें कि दिवाली पर हमारी सेल बढ़े, ज्यादा से ज्यादा माल बिके, मेरी दिवाली पर बहुत अच्छी सेल हुई, और मैंने कैसे प्लानिंग की वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आने वाली हैं शादियां, तो शादियों के लिए मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ और कैसे अपनी सेल इंक्रीज होगी, आप उन चीजों को फॉलो करोगे तो आपकी भी सेल जरूर इंक्रीज होगी। क्योंकि किसी महान लेखक ने कहा है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसको बहुत सारी सालों का एक्सपीरियंस है किसी भी लाइन का, किसी भी चीज का, अगर आप सेम टू सेम उसकी तरह उसकी आदतों को फॉलो करते चलोगे तो आप भी एक ना एक दिन उस जैसे ही बन जाओगे। तो आप अगर मेरी जो आदतें हैं जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करोगे तो आप भी मेरी जितनी अर्निंग रीसेलिंग से करने लगोगे। तो चलो समझते हैं, देखो हमारा प्लान क्या है, हमारा प्रोजेक्ट चलेगा पूरा, हम पूरी तैयारी करते हैं, हर इवेंट के लिए तैयारी करते हैं, रीसेलिंग से हमारा फोकस रहता है कि जितना दाम हो उतना दाम खींच लें। देखो अभी शादियां आने वाली हैं, शादियों का मतलब है थोड़े महंगे कपड़े बिकेंगे, एवरेज कपड़े नहीं बिकते शादी में। आप ये सोचो 250 वाली टी शर्ट बिके, 300 वाली शर्ट बिके, नहीं, महंगे बिकेंगे, जैसे लहंगा चोली, जूती, और इससे भी जो एडवांस चीजें हैं, सर्दियां आ गई हैं, जैकेट सेल होंगी, जो कि लेदर जैकेट है, बहुत ज्यादा ट्रेंड चलता है इंडिया में लेदर जैकेट का, वो सेल होंगी, शूज सेल होंगे, और इसके अलावा जो इनर होती हैं वो सेल होंगी, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा सेल होंगी। अब आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि सबसे पहले लोग सर्च क्या कहाँ पे करते हैं, पहली चीज लोग सर्च करती हैं तो यूट्यूब पर, दूसरी चीज लोग सर्च करते हैं तो गूगल पर, तो हमें दो ही चीजों पे फोकस करना है, एक यूट्यूब पर एक गूगल पर। अब आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर प्रमोशन करने के बहुत सारे तरीके बताऊंगा। आपको कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है, जैसे कोई जैकेट है, आपको पता होगा कि जो जैकेट आजकल मीशो पे मिल रही हैं वही आजकल अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पर नॉर्मल मिल रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अमेजोन पर बढ़िया सी जैकेट देखिए लेदर वाली, और क्या करिए जब आप लेदर वाली कोई आपको पसंद आ जाए तो चेक कर लीजिए वो मीशो ग्लो रोड वगैरह पर मिल रही है या नहीं। तो जैसे ही आप कोई जैकेट देखते हो तो जैकेट का जो टाइटल होता है उसको कॉपी कर लीजिए और यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। जब आप यूट्यूब में सर्च कर लोगे तो आपको उस जैकेट की रिव्यू वीडियो मिल जाएंगी। आप क्या करिए उन रिव्यू वीडियो को डाउनलोड करिए और अपना एक खुद का चैनल बनाइए और उस चैनल पर उन वीडियोज को अपलोड करिए एडिट करके,
और उसमें ये आवाज जरूर कहीं ना कहीं ऐड कर दीजिए कि ये प्रोडक्ट अगर आपको खरीदना है तो हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। तो हुआ क्या कि प्रोडक्ट भी आपका नहीं, आपने दूसरे की वीडियो यूज की जिसने वो प्रोडक्ट रियल में खरीदा था, और लेकिन अगर आपकी वीडियो अच्छी चलने लगी तो वहां से आपके पास कस्टमर आने लगेंगे व्हाट्सएप पे, और आप मीशो से, ग्लो रोड से, जहां का भी वो प्रोडक्ट जहां पे मिल रहा है वहां से ऑर्डर कर करके दे सकते हो। इसके अलावा आप कॉम्बो पैक बना सकते हो कि एक आदमी है या कोई बच्चा है या कोई लेडीज है, उसको पूरा सेटअप बना दो कि उसे अगर शादी में जाना है तो ये लहंगा चोली, उनके साथ जो जूती सेट, उनके साथ जूती जो सबसे अच्छी लगेंगी वो जूती, और जो भी लेडीज या गर्ल्स के जो सामान होते हैं, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उनका एक पूरा पैकेज बना दीजिए और एक वीडियो बना दीजिए, ये मिल रहा है इसमें, ये ऐसा लुक आएगा, बहुत सारी चीजें। या आप को बहुत सारे प्रोडक्ट की वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगी, डाउनलोड करिए, एडिट करिए, अपना चैनल बनाइए, अपलोड करिए, और अपनी डिटेल्स जो आपका व्हाट्सएप नंबर है या आप जहाँ से बात करती हैं तो वो सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, जिससे कि वो लोग आपसे बात कर सकें और उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकें। तो ये चीज पर आपको फोकस करना है। तो ये तो बात रही यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब पर दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपको वो प्रोडक्ट की वीडियो नहीं मिल रही तो आप प्रोडक्ट के फोटो लगाकर और उसमें अपनी आवाज सेट करके एक वीडियो बना सकते हैं और उस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। बस प्रोडक्ट अच्छे से चूज करना जो प्रोडक्ट रियल में सेल हो सके। अब बात आती है दूसरी, जो लोग गूगल पर सर्च करते हैं उनके लिए क्या करोगे? उनके लिए आपको गूगल में आना पड़ेगा। गूगल में आने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी? सबसे पहले अपना बिजनेस या जो भी आपने बिजनेस का नाम रखा है वो अपना गूगल और गूगल मैप में सबमिट करना होगा, जिससे कि कभी कोई गूगल में सर्च करे तो आपका एड्रेस या आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर उन्हें मिल सके और वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। दूसरी चीज, आपको दूसरा आपको एक वेबसाइट बनानी होगी जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट तो जब ही खरीदेंगे जो गूगल में सर्च कर रहा है, अगर आपकी वेबसाइट गूगल में होगी तो वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे और प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करेंगे तो आपको उनकी एड्रेस वगैरह, डिटेल वगैरह मिल जाएगी। आपका अगर मीशो का प्रोडक्ट आपने अपनी वेबसाइट पे डाला है तो मीशो में जाके ऑर्डर लगा दीजिए उनका एड्रेस डाल के। तो आपको अगर गूगल से कस्टमर चाहिए तो आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। तो आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, और आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा, आपको पता नहीं होगा हमारा 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है जिसमें हम आपको हर टाइप की वेबसाइट बनाना, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, मूवी म्यूजिक वेबसाइट बनाना, हर टाइप की वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। इसके अलावा हर टाइप की एप्लीकेशन बनाना, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, GST, बिजनेस को गूगल में सबमिट करना, गूगल मैप में सबमिट करना, बिजनेस की ब्रांडिंग करना, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं जिससे आपकी रीसेलिंग बिजनेस ग्रोथ कर सके। तो आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकती हैं। उसकी ज्यादा जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, एक आर्टिकल लिखा है, दोनों के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और जितने भी ट्रस्टेड और भरोसेमंद रीसेलिंग एप्लीकेशन है सभी के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के लिए आपकी राय क्या है और आपकी क्या तैयारी है जो शादियों का सीजन आ रहा है उसके लिए, तो आप वो कमेंट करके हमें बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।